सो गाइस, अगर आप चाहते हो कुछ इस तरह का AI वीडियो जो है बनाना, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक कम्प्लीट जो है देखना। अपने फ़ोन की मदद से आप ये वीडियो जो है बना पाओगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन की मदद से एक प्रोफेशनल AI अवतार कैसे बना सकते हैं, जो कि अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पर और बहुत से सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग कर रहा है वीडियो, ठीक है। और यही वीडियोस केवल डाल डाल करके अपलोड करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत सारे लोग जो है मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ा लिए हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो कैसे आप कोई भी एक AI अवतार वीडियोस जो है बना सकते हैं अपने फ़ोन की मदद से, और उसको किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड करके पैसे जो है अर्न कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग पैसा जो है अर्निंग भी कर रहे हैं इसमें। तो कैसे इस AI अवतार को आप बना सकते हैं, सारा कुछ कंप्लीट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। AI बेसिक से लेकर के एडवांस पूरा टोटल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं AI के बारे में कि AI है क्या। तो AI एक बोट है, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत लोग जानते भी हैं आज के समय में, जब से ChatGPT जो है आया है, तब से बहुत से लोग जो है AI के बारे में जान गए हैं, ChatGPT के बारे में जान रहे हैं, बहुत सारे ऐसे AI हैं उनके बारे में सब लोग जान चुके हैं कि AI है क्या, ठीक है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको पहुँचता रहे और आप जो उसको देखते रहे, ठीक है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने फ़ोन इसी में। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर क्रोम ब्राउजर जो अपना यहाँ पे हम ओपन करेंगे। सो यहाँ पे हम अपना क्रोम ब्राउजर को सबसे पहले ही ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे हमको सर्च करना है हॉटपॉट AI, ठीक है। ध्यान से आप स्पेलिंग जो है देख लीजिएगा, लिखना है यहाँ पर हॉटपॉट AI। जैसे इतना लिखने के बाद आप सर्च करोगे एंड उसके बाद जो है एक आपको रिजल्ट शो होगा। सो यहाँ पर देख पा रहे हो ये पहला लिंक जो आप दो दिख रहा है हॉटपॉट AI, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है एंड गाइज, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आप देखोगे आपको, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी बोलेगा अलाउ करने के लिए आल एक्सेप्टेड कर लेंगे, ब्लू कलर का है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा है AI टूल, इस पर जो है इमेज जो लिखा है इस पर क्लिक करना है एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है सर्च बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा है सर्च बॉक्स। अब इस सर्च बॉक्स में क्या करना है आपको, जो भी जिस तरह का कैरेक्टर आपको चाहिए, ठीक है, जिस तरह भी AI कैरेक्टर चाहिए उस तरह का यहाँ पर जो है आपको टाइप करना है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ जापानी कंफू मैन, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ इस तरह का मैं जो लिखता हूँ तो अभी देखते हैं कौन सा कैरेक्टर जो है आ रहा है। इतना सारा कुछ लिखने के बाद यहाँ पर जो है लिखा है यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है एंड गाइस यहाँ पे देखोगे क्रिएट वाले बटन पे जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है ये एक AI जो है बन के आ चुका है, ठीक है। AI अवतार जो बन के आ चुका है। अब इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पर ये जो है आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लेना है, क्योंकि ये फ्री में डाउनलोड होगा नहीं। अगर आप PC में यूज करते हो तो इसको जो है माउस से राइट बटन क्लिक कर सेव कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया था। अब यहाँ थे गैलरी में, गैलरी में आने के बाद गाइस अब क्या करना है, इसको जो है आप चारों तरफ से क्रॉप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे चारों तरफ से आपको क्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो ये फ्री में आप जो है इस तरह का जो है डाउनलोड करना चाहते हो तो इस तरह का आप फ्री में जो है डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, उसके बाद जो है यहाँ पे किसी भी तरह की स्क्रीनशॉट मार के क्रॉप कर लीजिएगा। फिर आ जाना है आपको क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद यहाँ पे लिखना है studio.d। जैसे आप लिखोगे studio.d उसके बाद नीचे सजेस्ट करेगा, इसको हम ओपन कर लेंगे एंड होम पे इस तरह का जगह सर्च में इस पर क्लिक कर देना है एंड पहला लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का जो ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद अब यहाँ पे जो आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए नीचे आपको कॉर्नर में जो है दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का, इस पर क्लिक कर देना है एंड लॉगिन एंड साइन अप बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद जो है आपको ईमेल से या ये जो जिस भी तरीके से इसको जो है किसी भी तरीके से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट जो है बना लेकर आप जैसे आप लॉगिन कर लोगे कुछ इस तरह का हो जाएगा, दिखेगा आपके सामने। उसके बाद गाइस जैसे होम पेज कुछ इस तरह का दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है 3 डॉट में। 3 डॉट पे जाने के बाद क्रोम ब्राउजर में अपने और यहाँ पर जो है हमको ऊपर जगह 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर देना है, जिससे कि ये जो है डेस्कटॉप साइड की तरह जो खुल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो है दिखेगा एंड अब यहाँ पर लिखा है क्रिएट, ठीक है। क्रिएट पे हम जैसे क्लिक करते हैं एंड क्रिएट वीडियो जैसे हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत पहले से जो है बने हुए हैं कैरेक्टर, ठीक है। निश्चित पर बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमको अपना जो है कैरेक्टर जो ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस का बटन आपको दिखेगा ऊपर, ठीक है। जो हमने AI जो अवतार जो बना रखा है तो उसको ऐड करना है तो प्लस वाला बटन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हो कोई फोटो ऐड करना तो ये वाला फोटो, ये AI अवतार है, ठीक है, इसे हम ऐड करते हैं
एंड यहाँ से ऐड करने के बाद गाइस अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे यहीं से आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि मतलब इसको नहीं यूज करना तो यहाँ पे बहुत सारे करेक्टर उसको भी आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं ये वाला करेक्टर जो है देख पा रहा हूँ, अगर इसको मैं यूज करना चाहता हूँ इसको भी यूज कर सकता हूँ, और इसको यूज करना चाहता हूँ इसको भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे यही यूज करना है। उसके बाद यहाँ पर साइड में देखोगे तो यहाँ पर दिखेगा एक स्क्रिप्ट का सॉन्ग और एक आडियो का, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर स्क्रिप्ट में जाएंगे तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा जो बुलवाना है, ठीक है, जो बुलवाना है यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा वही बोलेगा। अगर हमको आडियो फाइल है तो आडियो फाइल ऐड कर देंगे तो जो आडियो में रहेगा वही जो है बोलेगा, ठीक है। बट हमको लिखना है तो यहाँ पे हम आएंगे स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर जो है आप जो भी चाहे वो यहाँ पे आप बुलवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये ले देता हूँ, ठीक है। आप मुझे मुझसे किस तरह का वीडियो बनवाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह का मैंने यहाँ पे लिखा। और उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज को लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वॉइस जो है आपको मेन का चाहिए या वुमेन का चाहिए, मतलब फेल मेल जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पे जो है जनरेट वीडियो पे क्लिक कर देना। एंड सो यहाँ पे कुछ टाइम रुकने के बाद यहाँ पे जनरेट वाला बटन जो है दिख जाएगा, इस पर हमको क्लिक कर देना। एंड जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सो यहाँ पर जो होंगे ये वीडियो जो है मतलब बन रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम जो है लग सकता है, अभी यहाँ पर जो वीडियो बन के तैयार हो चुका है। सो कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, और वीडियो जो है यहाँ पर आपको डाउनलोड कर, यहाँ पे देखो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। सो गाइस अब यहाँ पे देखोगे वीडियो बन के मतलब रेडी हो चुका है, डन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वीडियो में आपको एक वाटरमार्क शो होगा, ठीक है। ये वीडियो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस DID जो मतलब लिख करके आया हुआ है वाटरमार्क, ठीक है। तो हमको इसको रिमूव करना है। अब इस वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ऐप को, VN ऐप नाम है, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसे डाउनलोड करोगे इसको ओपन करना है, प्रोजेक्ट पर करना क्लिक करना है, एंड वीडियो पर क्लिक करना है, एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर वीडियो जो है इसको ले लेना है प्रोजेक्ट में। एंड अब इस वीडियो को क्या करना है, यहाँ पर जो जाना है थोड़ा जूम करना है इस वीडियो को, ठीक है। आप इस वीडियो को थोड़ा जूम करोगे और यहाँ पर एडजस्टमेंट आप कर लोगे इस हिसाब के, मतलब ये वाटरमार्क जो है चला जाए, ठीक है। सो इस तरीके से एडजस्टमेंट करके वाटरमार्क जो हटा करके यहाँ पर जो है उसके बाद यहाँ पे ओके करोगे, एंड इसके बाद लास्ट पे जाना एंड ये वाला पार्ट को आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। ये VN का मतलब वाटरमार्क था उसको डिलीट करके इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद जो आपके गैलरी में आ जाएगा, इसमें कोई भी वाटरमार्क आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इतना सारा कुछ हमारा जो हो चुका है, अब आता है कैप्शन यहाँ पे ऐड करने के लिए, जो भी मतलब वीडियोस के ऊपर जो लिखता है। तो कैप्शन ऐड करने के लिए यहाँ पर जो है ईजी कट एक एप्लीकेशन है, इस पर मतलब इसको डाउनलोड कर लेना, और इसके थ्रू जो है आप जो है कैप्शन जो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप हैं और बहुत सारी वेबसाइट भी हैं जिससे आप जो है कैप्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो यार इस तरीके से आप कोई भी अवतार वीडियो जो बना सकते हैं आप केवल अपने फ़ोन की मदद से, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ हेल्प किया होगा, कुछ मदद किया होगा, ठीक है, वीडियोज़ को बनाने के लिए, AI वीडियो बनाने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।